बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में रात के समय सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं होने की वजह से रोजाना छोटी बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कभी मरीज और उनके परिजनों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो कई बार रुपए और अन्य सामान चोर ले जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से राजकीय अस्पताल के मातृ शिशु इकाई में रात्रि के समय सुरक्षा कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को रात्रि में भय बना रहता है। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में रात के समय सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं होने की वजह से रोजाना छोटी बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कभी मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो कई बार रुपए और अन्य सामान चोर चुरा कर ले जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से राजकीय अस्पताल के मातृ शिशु इकाई में रात्रि के समय सुरक्षा कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को रात्रि में भय बना रहता है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में राजकीय अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच जोधपुर के एक अस्पताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने राजस्थान को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब डीसीएन लाइव ने बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज से सलगन राजकीय चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की तो पाया गया कि यहां भी बनिस्पत लापरवाही का ही आलम है। राजकीय चिकित्सालय के इमरजेंसी में हालांकि दो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन अस्पताल के अन्य वार्डों में सुरक्षा कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे भी मातृ शिशु इकाई जहां महिलाओं और बच्चों को भर्ती कर उपचार किया जाता है, वहां रात्रि में सुरक्षा कर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि राजकीय चिकित्सालय में रोजाना चोरी की छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। यहां पे एडमिट किया था, यहां पे सिक्योरिटी तंत्र काफी लचर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं से मोबाइल चोरी हो जाता है, बैग चोरी हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी तंत्र बिल्कुल से काम ही नहीं कर रहा, और सफाई कर्मचारी भी समय पर नहीं आते और सही तरीके से सफाई नहीं करते। तीन दिन से देख रहा हूँ। आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी बच्चा चोरी होने जैसी घटनाएं भी आ रही है। अभी दो दिन पहले शायद आईसीयू से भी एक मोबाइल चोरी हो गया था, जिससे कि अस्पताल एक बहुत ही सिक्योर तरीके से देखता है, सिक्योर नजरिए से देखता है, लेकिन वहाँ से भी मोबाइल चोरी हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे आम जनता बैठती है वहाँ से क्या क्या चोरी हो सकता है। और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहता है, बाकी तो कोई सिक्योरिटी गार्ड से देखे नहीं, एक दरवाजे के ऊपर रहते हैं। इसके अलावा तो कैसे करते हैं सुरक्षा? सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी सुरक्षा गार्ड कितना बड़ा सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था तो है, सुचारू व्यवस्था है उस हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे दरवाजे वैसे भी बंद रहते हैं, एक मेन गेट रहता है इमरजेंसी के बाहर, तो सुरक्षा हिसाब से हमारे हिसाब से तो ठीक है। वैसे अभी चोरी चकारी का जैसे आप कहते हैं कि चोरी चकारी होती है, तो नाइट में हमने कई बार भी अनजान लोगों को देखा भी है, पकड़ा भी है, पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं। अच्छा, तो आपने कभी अस्पताल प्रशासन से मांग की सिक्योरिटी? एक दो बार कहा भी है ऐसा कुछ। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? कई बार परिजन उसके लिए हमारे प्रशासन ने वैसे कैमरा वगैरह सब सर्वेलेंस चालू किया है, और वैसे बैनर वगैरह पेशेंट को भी हम रात को जब भी अटेंडर होते हैं उनको कहते भी हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए मोबाइल वगैरह रात को ज्यादा देर तक चार्ज ना लगाएं। राजकीय चिकित्सालय के वार्डों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वो रात्रि में जाकर अपने सामान की हिफाजत करते हैं। इन वार्डों में कई संदिग्ध घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि पूरे देश में जिस मुद्दे को लेकर उबाल है और इसी अस्पताल के चिकित्सक जिसमें आंदोलनरत रहे, वो ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है।